हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूजा के बाद चढ़ाई गई सामग्री का क्या करें, बहुत से कमेंट आ रहे हैं उसी पर ये वीडियो है कि पूजा करने के बाद चाहे आपने 5 दिन की पूजा करी हो या आपने दिवाली की करी हो, जितने दिन की आपने पूजा करी है उसके बाद सामग्री का क्या किया जाए। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। और उससे भी पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, भाई दूज की बहुत सारी बधाई आपको। आपका जीवन मंगलमय हो, खूब धन के भंडार आपके घर में भरा है। जी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए सारी पूजा होने के बाद। आपने जो सामग्री चढ़ाई है, चाहे आपने कमलगट्टा चढ़ाया है, हल्दी की गांठें चढ़ाई है, बहुत धनिया चढ़ाया है, गुड़ चढ़ाया है, तो उन सारी सामग्री का बाद में क्या किया जाए। अगर आप बाद में कुबेर पोटली बनाते हो, जब सामग्री सारी आप जिस दिन उठाने वाले हो, चाहे आप दिवाली के दिन कुबेर पोटली बना ली आपने तो अच्छा है, नहीं तो जिस दिन आप सामग्री उठाने वाले हो उस दिन भी आप कुबेर पोटली बना करके अपनी धन की तिजोरी में रख सकते हो। कुबेर पोटली कैसे बनानी है वीडियो डाल रखा है, आप जरूर देख लेना। और उसके बाद भी जो सामग्री बच जाती है उसे जब आप शुभ समय में भगवान को उठाते हैं, क्योंकि शुभ समय के बाद ही स्थापना को उठाया जाता है, तब आप सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए और उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर बहता हुआ जल आसपास नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी जा कर के रख के आ सकते हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। कुछ सामग्री उसमें से कुबेर पोटली में हमें बना करके रखनी है, इससे पूरे वर्ष भर हमारे घर के अंदर स्थायी संपत्ति का वास होता है। तो कुछ सामग्री कुबेर पोटली में रख दें, बची हुई सामग्री को आप जल में प्रवाहित कर दें, पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें, या फिर कहीं अच्छे स्थान पर गड्ढा खोद कर भी उसे गाड़ करके आ सकते हैं। प्राचीन भी मान्यता है और हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसा ही किया जा रहा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। कुबेर पोटली कैसे बनानी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर उसे देख लीजिएगा और शुभ समय में अपनी सामग्री को आप उठा लीजिए। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।